हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फाइव टाइम्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारी वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ क्लिक करके उन्हें भी देखें। चलो बढ़ते हैं पहले पर्सन की तरफ। पहला पर्सन हीरा कंप्यूटर स्क्रीन पर। कुटरलम जलप्रपात कहाँ स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। बताइए दोस्तों कहाँ है, क्या उत्तर होगा? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्रश्नों का। इसका सही उत्तर है डी तमिलनाडु। कहाँ है कुटरलम जलप्रपात? तमिलनाडु में। अब हम बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। जनहित याचिका की अवधारणा शुरू कहाँ से हुई थी? ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड या डी यूएसएसआर। बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का, कमेंट सेक्शन में। और इसका सही उत्तर है बी अमेरिका। जनहित याचिका की अवधारणा शुरू हुई अमेरिका से। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 9 दिसंबर 1946, बी 10 दिसंबर 1946, सी 12 दिसंबर 1950, डी 15 अगस्त 1947। बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा। वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके पुरानी वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसका सही उत्तर है ए 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। पट्टू चित्र किस राज्य की चित्रकला है? ए केरल, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा, डी अरुणाचल प्रदेश। बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसका सही उत्तर है सी उड़ीसा। क्या उत्तर है? उड़ीसा। पटु चित्र का संबंध है ओडिशा से। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। महमूद बेगदा कहाँ के सुल्तान थे? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मद्रास या फिर डी बिहार। बताइए दोस्तों महमूद बेगदा कहाँ के सुल्तान थे, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। महमूद बेगदा जो है वो सुल्तान थे बी गुजरात के। कहाँ के? गुजरात के। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहली अंतर्राज्य परिषद का गठन कब हुआ था? ए 1990, बी 1992, सी 1996 या फिर डी 2005। बताइए दोस्तों पहली अंतर्राज्य परिषद। इसका सही उत्तर है ए 1990। पहली अंतर्राज्य परिषद हुई 1990 को। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा लेपाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। बताइए दोस्तों लेपाक्षी मंदिर। ऑप्शन आपके सामने है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसका सही उत्तर है सी आंध्र प्रदेश। लेपाक्षी मंदिर है आंध्र प्रदेश में। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। कसाबा जादव किस खेल से संबंध रखते हैं? ए बास्केटबॉल, बी कबड्डी, सी कुश्ती या फिर डी हॉकी। बताइए दोस्तों कसाबा जादव
बहुत ही प्रचलित नाम है, किस खेल से संबंध रखता है ये उत्तर दीजिए। कसाबा जादव का संबंध है सी कुश्ती से, किससे संबंध है कुश्ती से, कसाबा जादव कुश्ती खेलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, पोर्टफोलियो सिस्टम किसने लागू किया था, ए लॉर्ड एलनब्रो, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा, कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसका उत्तर है बी लॉर्ड कैनिंग, क्या उत्तर है बी लॉर्ड कैनिंग। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, इबेरिया प्रायद्वीप का संबंध किस देश से है, ए मोरक्को, बी पुर्तगाल, सी स्पेन, डी अजरबैजान। बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा इबेरिया प्रायद्वीप। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट सेक्शन में सभी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दें। इसका सही उत्तर है सी स्पेन, इबेरिया प्रायद्वीप का संबंध है स्पेन से, किससे स्पेन से। अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, ए तीसरी अनुसूची, बी छठी अनुसूची, सी चौथी अनुसूची, या फिर डी पांचवी अनुसूची। बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का, कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये है सी चौथी अनुसूची, कौन सी अनुसूची, चौथी अनुसूची। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।